नैन पुत्र देख पग कैसे बांधे। अगर कभी मम्मा ना हो तो आप अपने दोनों भाइयों को पग बांधने में हेल्प करना। नो मैम मम्मा, हम आपके हाथों से पग बनवाएंगे। जब आप हमारा पग बांधते हो तो आपके फिंगर्स हमारे फोरहेड पे टच होती है और वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पग बांधते हुए माथे पे उंगलियां टच। मैं जी मेरे माथे पे भी उंगलियां मेरा मतलब है मेरी भी पग बांधो ना प्लीज। मिस्टर ड्रामेबाज जटिन टॉयलेट इसने करेली बांध दी। थैंक यू। अब किस खुशी में मेरी बाप अकड़ी? किस खुशी में नहीं, किसकी खुशी में? किसकी खुशी में? किसकी? वही तो मैं पूछ रही हूँ, किसकी? वही तो मैं भी बता रहा हूँ, किसकी खुशी? अच्छा तो आपको किस खुशी में चाहिए? चुपचाप जाकर अपना काम करिए। ये तो चीटिंग है। आपने परम करण की पगड़ी बांधते हुए उन तीनों का किस किया? तो मैं की जुर्म की? समझे जी, आप क्या करें, बच्चे देख रहे हैं। बच्चों हम कुछ भी नहीं देख रहे। देखा तो कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तीनों की आंखें बंद। चलिए ना मेरी जी प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन आप पहले अपनी आंखें बंद करिए। रेली ओके भारत। जी आज तो आप बन गई हैं किस क्वीन। मांगी थी एक, मिल गई है तीन तीन। वाओ। मैं हे बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया। हे बच्चों आज तो आपकी मेहर मम्मा गई। आप तो यूएफओ बोलने लगे मुझे। नहीं सरबजीत जी, आप यूएफओ नहीं, मेरा मतलब है यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। मैं जी हायो रब्बा, देखा सरबजीत जी, मैंने कहा था ना यूएफओ। मैं जी ये यूएफओ नहीं एफएफसी है, मींस फुल फैमिली कैमरा। आज पूरे फैमिली डे को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि ये हसीन पल, ये खुशनुमा यादें हमेशा के लिए इस कैमरे में कैद होके रह जाए। वेल, अगर ऐसी बात है तो मैं आज मेहर कौर गिल सबके सामने डंके की चोट पे सीना तान के बोलना चाहती हूँ, आई लव यू सरबजीत जी। जो मुझे इतना सारा प्यार करे जैसे पापा आपको करते हैं। पुत्र जी जब आप बिग हो जाओगे ना
तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई जरूर आएगा जो आपको इतना सारा प्यार करेगा जितना पापा मम्मा को करते हैं। वो आपको इतना सारा प्यार करेगा जितना मम्मा पापा को करते हैं। हाँ, so ladies and gentlemen, फोटो शूट के बाद असली चलेंगे गुरुद्वारा साहिब, क्योंकि इस खुशी के मौके पर बाबा जी की मेहर से हमने कराई है एक खास लंगर सेवा, ताकि ये फैमिली डे हम सबको याद रहे। आप लोग अपनी अपनी पोजीशन पे आइए प्लीज। अभी नहीं। क्या हुआ? एक मिनट, अभी मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई। क्यों मेहर, सब लोग तो हैं, तो कौन रह गया? अजय जी, वीरे ओ वीरे मेरे अब हुई मेरी फैमिली कंप्लीट। सब प्लीज पोजीशन पे आ जाइए आप। रेडी, 1 2 से चीज। अजय जी, मेरे लिए ऑरेंज जूस लेकर आइए और साथ में मेरे कमरे से एक जमाल घोटा की बोतल भी। परफेक्ट पोज। ओके, कौन? हमारी एनजीओ से। सत श्री अकाल सरबजीत जी। सत श्री अकाल नीलम जी, और सब बढ़िया? दे साहब की मैंने। आहो जी, सब बढ़िया। ओके। सरबजीत जी, अनाथ बच्चों को आज फंड देना था ना, तो उनका ग्रुप यहाँ ऑफिस में आया हुआ है। हाँ तो दे दीजिए, ऑफिस में सामान और बाकी चेकबुक सब पड़ा है। ओके? लेकिन इन बच्चों की एक डिमांड है, सब कह रहे हैं कि वो ये फंड आपके हाथ से ही लेंगे, क्या बोलूं इनको? बोलने वाली क्या बात है, मैं जरूर आऊंगा। लेकिन सर, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इन बच्चों की वापसी की ट्रेन 1 घंटे में है, तो अगर आप... डोंट वरी, मैं 1 घंटे से पहले पहुंच जाऊंगा। अरे भाई, बच्चों ने बुलाया। बच्चों का बुलावा मतलब रब दा बुलावा। मैं आ रहा हूँ। कौन जा रहे हो? अभी तो हमें गुरुद्वारे जाना है ना, सेवा करने के लिए। पापा बस यूं गए और यूं आए। पक्का ना? पापा ने जब भी कुछ बोला है वो पूरा किया है ना। Okay. दी तुसी आमे करो, सारे ने लेके गुरुद्वारे चलो, मैं डायरेक्टली उत्थे आना। मैं नहीं, हम, क्योंकि जहाँ सरब वहाँ मेहर, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। ओके। जब सरब मेहर को संग तो साथ लड़ते हैं हर जान। चले चली मेहर जी। जल्दी आना मम्मा पापा। बाय। सरदार जी, तुहानू कितनी बारी समझाया, गड्डी चलाने वक्त नजर सामने। सोनी, नजर सामने हुई तो फिर ये चांद कहाँ से नजर आएगा? चांद को निहारने के लिए पूरी उम्र है आपके पास। ओ मेहर जी, इस जट के दिल में आपके लिए इतनी मोहब्बत है ना कि पूरी उम्र भी छोटी पड़ जाएंगी। थू 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 थू, नजर ना ले। क्या बात है मेहर जी,
आज सुबह से कुछ ज्यादा ही नजर नहीं उतार रही आप। इतनी सारी खुशियां जो मिली वो भी एक साथ। यस yes.